दोस्तों आज है टेस्ट नंबर 49 और उत्तर प्रदेश विशेष का ये टेस्ट रहने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंध जीके यानी कि जनरल नॉलेज का ये टेस्ट रहने वाला है। 25 क्वेश्चन टोटल होंगे, 50 नंबर का ये टेस्ट है, 30 से 40 मिनट का ये टेस्ट रहने वाला है। तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेटर्स पर, और श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क एकदम टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। ये करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, ऐसे ही यूपी स्पेशल जो कि आज पहला टेस्ट है यूपी स्पेशल का, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साथ ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टेस्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट भी कराए जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चार ऑप्शन है, चार में से कोई दो या तीन या चारों के चारों सही रहने वाले हैं। ऑप्शन एक है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कानपुर में अवस्थित है। आपको ना दोस्तों एक काम करना है, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो आपको 5 सेकंड के अंदर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। तो ये एकदम सही है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कानपुर में है। ऑप्शन दो, देवेंद्र सिंह चौहान जी को हाल में ही राजीव शुक्ला के स्थान पर क्रिकेट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के 13वें निदेशक पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। ये भी एकदम करेक्ट है, किनको? देवेंद्र सिंह चौहान जी को। किसका स्थान लिया इन्होंने? राजीव शुक्ला जी का। कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। तो निदेशक पैनल कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का। तीसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की निधिपति सिंघानिया जी हैं। कौन है? निधिपति सिंघानिया जी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? निधिपति सिंघानिया जी। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन चार है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में निदेशक पैनल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 बताई गई है। और देखिए, अगर आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप खुद अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 13वें निदेशक पैनल के सदस्य नियुक्त किए गए और ये कुल संख्या कितनी बता रहे? 11। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई सा एक गलत होने वाला है। तो यहाँ पे 13वां कहा गया, ये हमने सही बता दी, तो इसका मतलब ये 11 तो नहीं होने वाली, कितनी होगी? 13 होगी। देवेंद्र सिंह चौहान सही, 13 हो गई। तो ऑप्शन चार हटा दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और एक और दो तीन, ये ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तीन विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं और तीन में से कोई दो या फिर सारे के सारे विकल्प सही रहने वाले हैं। ऑप्शन एक, बागवानी विकास के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरुआत की गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, हमीरपुर जिले के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन दो, इको टूरिज्म प्रमोशन पहल के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया है। कहाँ पर? कानपुर जिले के अंदर एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर को जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एकदम करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन तीन, लखनऊ में कुकरेल जंगल में नाइट सफारी और 100 साल पुराने लखनऊ चिड़ियाघर को उसी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। तो ये भी एकदम करेक्ट है कि लखनऊ में कुकरेल जंगल में एक नाइट सफारी है और 100 साल पुराना है लखनऊ में चिड़ियाघर, उसी क्षेत्र को क्या किया, उसी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश कैबिनेट सरकार द्वारा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तीन विकल्प दिए गए हैं, तीन में से कोई एक गलत रहने वाला है, कोई सा भी गलत नहीं रहेगा। ऑप्शन एक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया गया। कहां पर? झांसी जिले में, तो सबसे अधिक पाया गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन दो, 26वें राष्ट्रीय उत्सव युवा उत्सव 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की लोकगीत टीम को अलहा अलहा खंड गायन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर
पहले यानी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? महोबा की एक टीम है, महोबा जिले की लोकगीत टीम को अल्हाखंड गायन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहला। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात करें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में माउंट मैरू पर्वत चोटी पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कहाँ के हैं ये नीतीश कुमार जी, नीतीश सिंह जी? ये सहारनपुर के ना होकर कहाँ के? गोरखपुर क्षेत्र के हैं। तो ऑप्शन तीन यहाँ पर गलत हो गया, और ऑप्शन तीन कौन से में? केवल सी इसका आंसर हो गया, क्लियर। तो सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पा गया? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। क्वेश्चन नंबर चार की बात करें, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चयन करना है, और यहाँ पर दे रखे हैं चार विकल्प, चार में से एक विकल्प गलत होने की संभावना है या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए है, तकनीकी विकास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रोबस्टेनेस इवैल्यूएशन डिवाइस का निर्माण किया। किसने? उत्तर प्रदेश के अंदर एक शैक्षणिक स्थान है यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसने आईआईटी क्या किया, प्रयागराज के वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या बनाया, एक रोबस्ट टेनस इवैल्यूएशन डिवाइस का निर्माण किया। सही है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है ये, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत 100% खुले में शौच मुक्त प्लस कवरेज हासिल किया है, ये भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी, हाल ही में इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की घोषित श्रेणी में तीसरे स्थान पर आने के लिए पुरस्कृत किया है। उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। कौन से आयोजन में ये किया है? स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह के अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के अंतर्गत। तो देखिए, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें से कोई सा भी गलत नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन एक, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दो दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 5 पुरस्कार प्रदान किए हैं। देखिए, जो विज्ञान भवन है दिल्ली में आयोजित है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, और दो दिनों का यानी दो दिवसीय आरोग्य मंथन हुआ था वहाँ पर 2023, और इस अवसर पर जो हमारे पूर्व के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं यानी हेल्थ मिनिस्टर, तो वो मनसुख मंडाविया जी थे, उन्होंने हाल ही मतलब कि क्या किया, आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 5 पुरस्कार प्रदान किए, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन दो, मोटो जीपी बाइक रेस जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फाइनल मैच के साथ संपन्न हुई, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन तीन की बात करें, हाल ही में गाजियाबाद में हुई उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स की बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के अवसर पर स्टेट ओपन पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन करेगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए, पहला ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत है, तो ये मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है, 2023 पर उत्तर प्रदेश राज्य को 5 पुरस्कार प्रदान ना होकर ये 2 पुरस्कार प्रदान हुए हैं, कितने? 2, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सारों में से हटा दो, तो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी 2 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो किस जिले को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे की बात कर रहे हैं 2023 के अनुसार 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाले सिटी के अंदर जो श्रेणी है 2 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन दो
जो बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन सी है अपना गाजियाबाद। तो देखिए राइट आंसर जो हो गया वो अपना प्यारा सा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसको हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 310 लाख की जनसंख्या श्रेणी में दूसरा स्थान प्रदान किया है, प्राप्त हुआ है इसको मुरादाबाद को। सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चार विकल्प हैं, कोई दो तीन या सारे के सारे सही रहने वाले हैं। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है अगस्त 2023 में, करेक्ट है, कोई दो राय नहीं। ऑप्शन दो, नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों और पशुपालकों को डेयरी खोलने के लिए 25 उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराएगी। किसानों और पशुपालकों को डेयरी खोलने के लिए कौन सी योजना के तहत? नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी करेक्ट है। कितनी? 25 देसी उन्नत नस्ल की, है ना, 25 प्रकार की। तो ऑप्शन तीन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जारी किए गए GST पंजीकरण की संख्या कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये भी एकदम करेक्ट है कि जो GST रजिस्ट्रेशन है उसमें उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर है। ऑप्शन चार, उत्तर प्रदेश 2023-24 बजट के अनुसार किए गए GST रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की कुल संख्या 28.03 लाख है। तो देखिए ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी सारे के सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। देखिए गले में ना समस्या हो रही है, और गले में समस्या होने के कारण बोलने में दिक्कत भी हो रही है, तो टेंशन नहीं लेने का, रेगुलर टेस्ट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चार विकल्प हैं, तीन विकल्प हैं, तीन में से कोई दो या तीन या कोई एक सही रहने वाला है। ऑप्शन एक, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए तो 320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कौन सी योजना के लिए? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए, ये एकदम सही है। ऑप्शन दो, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो एनरोलमेंट कराना है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, करेक्ट है। ऑप्शन तीन, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसके तहत कुल 4.29 करोड़ नामांकन रजिस्ट्रेशन किए गए, करेक्ट है, पहले स्थान पे भी, और टोटल 4.29 करोड़ पंजीकृत किए गए हैं। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से 1655 करोड़ रुपए आवंटन किए गए? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। तो कौन सा होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है उसके लिए ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1655 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किए गए 2023-24 के बजट उत्तर प्रदेश को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन तीन दे रखे हैं और कोई दो या तीन रहने वाले हैं सही। ऑप्शन एक, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.84% है, तो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन दो जो है, बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य का खुद का जो कर राजस्व है उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.8% है, ये भी एकदम करेक्ट है कि जो राजस्व है राज्य का खुद का कर है वो उत्तर प्रदेश के GDP का
10.8%। एकदम करेक्ट है। ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुसार कुल 88,808 रोजगार सर्जित किए गए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इनकी बात करें तो 88,808 रोजगार क्या किए गए, सर्जित किए गए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं और उसमें ऑप्शन 3, तो देखिए दोस्तों ऐसी तो इस योजना के माध्यम से तो नहीं कह सकते, परंतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार परियोजना है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से टोटल 88,808 रोजगार सर्जित किए हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत हो गया, तो 3 हटा दो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ चार ऑप्शन है, कोई एक गलत रहने वाला है। ऑप्शन ए, ललितपुर जिला जो है तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हाँ जी एकदम राइट है। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, हिमाचल राज्य को स्पर्श करता है। एकदम करेक्ट है। ऑप्शन 3, सोनभद्रा जिला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ये भी करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गलत विकल्प तो इनमें से कोई भी गलत नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए चार ऑप्शन है, कोई एक गलत रहने वाला है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण सोनभद्र जिले में मिला है, ये एकदम करेक्ट है। कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार बात करें तो कुल और प्रतिशत, मतलब कि भूमि के क्षेत्र के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो सोनभद्र में, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी, सहारनपुर जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा जिलों से लगती है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी एकदम करेक्ट है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा को शेयर करता है या स्पर्श करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। और इसका जो गलत विकल्प चुनना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो कोई सा भी गलत नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल और प्रतिशत दोनों के संदर्भ में सबसे कम या न्यूनतम वन आवरण है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी भदोही, ऑप्शन डी बलिया दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सही आंसर हमारा भदोही क्षेत्र हो जाएगा। भदोही के अंदर बात करें वन क्षेत्र की वनावरण की तो सबसे कम है प्रतिशत के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से मेडिकल कॉलेज को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से कोई, चार के चार ही इन्हें क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए, गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना जो हुई थी 1959 में कानपुर में हुई। ऑप्शन दो, लाला लाजपत राय राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना 1969 में हुई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो कि 1965 में स्थापित हुआ। फिर आता है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो कि 1972 में स्थापित हुआ। ठीक है, देखिए गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो है वो कानपुर में अवस्थित है, 1959 में स्थापित हुआ था। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज जो है ये हमारा मेरठ में है और 1969 में हुआ था स्थापित। ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई जी मेडिकल कॉलेज है वो 1965 में कहाँ पे बनाया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, झांसी में बनाया गया। ठीक है, और ऑप्शन चार जो है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये आपका गोरखपुर में 1972 में बनाया गया। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पहला हो जाएगा, फिर हमारा तीसरा हो जाएगा, उसके पश्चात हमारा दूसरा हो जाएगा, फिर आ जाएगा चार। तो
तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11-14 का हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तीन विकल्प दिए हुए और कोई एक या दो या फिर सारे के सारे सही रहने वाले हैं। तो विकल्प एक, 10वीं कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश भर में कुल 14.6 करोड़ जो जोते हैं उनमें से उत्तर प्रदेश 2,38,2 लाख भूमि धारकों की संख्या के साथ पहले स्थान पर है। एकदम करेक्ट है, ये देश भर की बात कर रहा है। देश भर के अंदर जो 10वीं कृषि जनगणना हुई है ना उसकी बात कर रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर सेंसस। दूसरा है 10वीं एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा स्थान था। इस बात बारे में बात कर रहे हैं कुल क्षेत्र की दृष्टि से, करेक्ट है। ऑप्शन 3, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 201 हो गई थी। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर तीनों की तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। चार विकल्प दिए हुए, कोई एक गलत रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी गलत या नहीं या असत्य संबंधी कुछ भी आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको सचेत हो जाना है और उसे अंडरलाइन कर लेना है। ऑप्शन एक, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान की शुरुआत 4 सितंबर 1972 को लखनऊ में केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के रूप में की गई। एकदम करेक्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान की जो शुरुआत की गई वो 1972 में केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के रूप में की गई। ऑप्शन बी, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान की स्थापना मऊ जिले में की गई। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान स्थापना 1966 में मेरठ के अंदर की गई। कहां पे की गई, मेरठ में बता रहा है ये, और कब, 1966 में। तो ये 1966 में ना होकर 1968 हो जाना चाहिए था, तो ये मेरठ में की गई। करेक्ट है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, तो 1968 में की गई और कब, कहां पर, मेरठ में। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1999 में वाराणसी के अंतर्गत की गई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना था, सी इसका राइट विकल्प हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ जिला है और एक तरफ उत्पाद है, ठीक है। ऑप्शन ए, ये बर्तनी बस्ती है और इसके सामने दे रखा है लकड़ी के शिल्प और सिरका उत्पाद, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी, चंदौली, इसमें बताया गया जो उत्पाद है जरी जरदोजी और काला चावल, एकदम करेक्ट है। एटा बताया कि गेहूं डंठल, और गेहूं डंठल के माध्यम से हस्तशिल्प हाथ से कला के माध्यम से प्रयोग होता है खाद्य प्रसंस्करण, तो क्वेश्चन मार्क, ये एटा जिले का है क्या। ऑप्शन डी, गोरखपुर, जिसके अंदर टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट का निर्माण किया जाता है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी है गलत है, क्योंकि जो एटा है इसका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मैटर में घुंघरू बेल्स और पीतल उत्पाद के लिए फेमस है, ना कि गेहूं डंठल के लिए। जबकि गेहूं डंठल हस्तशिल्प जो है खाद्य प्रसंस्करण, ये किसके लिए, बहराइच के लिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर बनाए गए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एक तरफ उद्योग है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। चार विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से कोई दो तीन चार के चार सही रहने वाले हैं। एक तरफ उद्योग है, उनके प्रमुख केंद्र है, तो यहां पर पहला है ऊनी वस्त्र उद्योग, बताया गया खुर्जा बुलंदशहर,
बताइए। ऊनी वस्त्र के लिए पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। देखिए ये कानपुर है, कानपुर सिटी के अंदर, ठीक है। तो पहला हटाओ, पहला हटाया तो ऑप्शन सी निकल के आया, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, परंतु हमें देखना है फिर भी। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो कानपुर के लिए है, तो खुर्जा बुलंदशहर किसके लिए है? ये चीनी मिट्टी के लिए, बर्तन के लिए है। पीतल की मूर्तियां मथुरा, मिट्टी के खिलौने आगरा, लकड़ी पर नकाशी सहारनपुर, ठीक है। ये फेमस उद्योग है यहाँ के, तो राइट आंसर हमारा सी हो गया दोस्तों आज के इस क्वेश्चन का, 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चार विकल्प है, कोई दो तीन या चार के चार सही रहने वाले हैं। ऑप्शन एक, राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फांसी दी गई, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन दो, अशफाकुल्ला खां को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में फांसी दी गई, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन तीन, राजेंद्र लाहिड़ी जी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी गई, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अशफाकुल्ला खां जी को फैजाबाद जिले में। ऑप्शन चार, रोशन सिंह को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी कस्बे में फांसी दी गई, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये जो हमारे इतिहास ऐतिहासिक क्रांतिकारी हैं, इन्होंने अपनी शहादत यानी जो शहादत दी है उसके माध्यम से हमारे देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी राष्ट्रवादी, जिसको लेकर हमारे राष्ट्र के अंदर अपने राष्ट्र को लेकर एक चेतना यानी कि राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ था। इनके द्वारा जो अपनी शहादत दी गई, अपने अपना जीवन का बलिदान दिया गया, वो एक सराहनीय है और सम्माननीय है। और देखिए छोटी सी उम्र में इनके माध्यम से, इनके द्वारा राष्ट्र को लेकर इतना प्रेम एक अतुलनीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, सारे के सारे एकदम सही है, क्लियर। और ये सभी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी क्वेश्चन जाहिर सी बात है बनता है। तो राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी गोरखपुर जिले में, अशफाकुल्ला खां जी को फैजाबाद जिले में, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जिले में, रोशन सिंह को प्रयागराज जिले में, ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर चार तीन ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही रहने वाला है या फिर तीनों के तीनों या फिर कोई सा भी सही नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन एक, थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन दो, थारू जनजाति को किरात वंश का वंशज माना जाता है, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किरात वंशज बोले तो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, जिसमें किरात जनजाति के रूप में महादेव द्वारा अर्जुन की परीक्षा ली गई थी, जब वो पाशुपताश अस्त्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा, है ना। ऑप्शन तीन, थारू जनजाति में विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो भोज है वो लठ भरवा भोज कहलाता है, लठ भरवा कहलाता है, एकदम करेक्ट है। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर तीन विकल्प है, कोई दो या तीन के तीन सही रहने वाले हैं। ऑप्शन एक, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने का जन्म जन्म हुआ वो 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ के पंधाग नामक ग्राम में हुआ था, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जो महापंडित हैं राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म कब हुआ? 9 अप्रैल 1893 में हुआ था, कहां पर? आजमगढ़ के पंधा गांव में। ऑप्शन दो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय चीतू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को बलिया में, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, में अपनी अस्थायी सरकार की स्थापित कर ली थी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन तीन की बात करें, 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, हाँ है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये जो तीनों के तीनों हैं हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। पांच विकल्प हैं, पांच में से कोई तीन या
चार कोई या फिर पांच के पांच सही रहने वाले हैं। आज का पैटर्न भी तो चेंज हो रहा है ना परीक्षा परीक्षा का, क्योंकि एक ही सवाल में चार से पांच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाम है 100-150 क्वेश्चन का, परंतु 150 की जगह वो लगभग 500-600 क्वेश्चन इजिली पूछ लेते हैं एक पेपर में। पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, एकदम करेक्ट ऑप्शन है जीबी पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ऑप्शन दो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये पहले मुख्यमंत्री थे और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन, सुचेता कृपलानी जी, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन तीन सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन चार चौधरी नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, चौधरी नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन पांच सर वॉल्टर मॉर्गन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। सर वॉल्टर मॉर्गन जो हैं उत्तर प्रदेश यानी के अंदर जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि सभी के सभी सही हैं, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, सही विकल्प का चयन करना है, चार विकल्प हैं, कोई एक विकल्प सही रहने वाला है, बाकी सब गलत होने वाले हैं। पहला है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य के शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद का गठन जो किया गया वर्ष 1981 में किया गया, ये प्रयागराज जिले की बात कर रहे हैं, परंतु ये हमारा गलत है, कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, हाथों हाथ कर लीजिएगा लखनऊ, ठीक है, कहां पर, लखनऊ में हुआ था, परंतु ये प्रयागराज बता रहा है तो गलत हो गया। ऑप्शन दो जो है उत्तर प्रदेश राज्य की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन 1982 में वाराणसी जिले की बात कर रहा है, तो वाराणसी जिले में ना होकर कहां पर किया गया, प्रयागराज जिले में, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा परिषद का गठन 1995 में लखनऊ जिले में किया गया था, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए चार ऑप्शन थे, चार में से एक करेक्ट है, वो भी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन 1995 में लखनऊ जिले में किया गया, और उत्तर प्रदेश राज्य के जो माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा चयन बोर्ड है इसका गठन किया गया था 1982 में प्रयागराज में, जबकि शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में 1981 में किया गया, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, पांच विकल्प हैं और चार विकल्प यहाँ पे नीचे दिए गए कूट, तो कोई तीन या चार या फिर सारे के सारे सही रहने वाले हैं। देखिए ऑप्शन ए जालौन, जालौन के सामने पचनदा नगर है, एकदम करेक्ट है। अमेठी, अमेठी में छत्रपति साहू जी महाराज नगर है, ये भी एकदम करेक्ट है। बदायूं निजामुद्दीन ओलिया नगर है, एकदम करेक्ट है। उन्नाव के अंदर पंचशील नगर है क्या, और हापुड़ के अंदर चंद्रशेखर आजाद नगर है क्या, देखिए एक्सचेंज कर दिए, उन्नाव में है चंद्रशेखर आजाद नगर, हापुड़ में है पंचशील नगर, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए एक्सचेंज करने के कारण। तो चार और पांच हटाइए, इरेडिकेशन मेथड का यूज करिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आया, 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है, चार विकल्प हैं, कोई एक सही रहने वाला है। देखिए महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य वर्ष 1977 में 1977 में महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया, बताइए। ऑप्शन दो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को 1982 में मिर्जापुर सोनभद्र जिले में के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन सी कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1976 में ललितपुर जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1987 में बहराइच जिले में स्थापित किया गया। तो देखिए जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है वर्ष 1977 में बनाया गया था, सही है,
कहाँ पर? महाराजगंज बता रहा है, तो ये ललितपुर में बनाया गया था, इसलिए ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1976 में ही बनाया गया था, परंतु ये ललितपुर ना होकर महाराजगंज में, वो सॉरी बहराइच में बनाया था, ये भी एकदम गलत हो गया। बाकी दो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या रहने वाला है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, आंसर क्या होगा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गूगल बाबा की सहायता जरूर लें, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैंने आपको जैसे कि बताया वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं। कितना स्कोर आपका आज के टेस्ट में बन रहा है ये आप ईमानदारी के साथ जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका आपके साथ है, अन्य किसी के साथ नहीं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नई उम्मीद नए जोश के साथ, और बने रहिए सीरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।